स्वागत है दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल Imperfect Videos में। राह मंदिर की सीरीज से जुड़े सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस सीरीज के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट के करीब माँ दूर्णागिरी मंदिर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और हर नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये मंदिर अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर बात की जाए इस मंदिर के इतिहास की तो कहा जाता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी थी तब सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण के प्राण रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लाने को कहा था और संजीवनी बूटी लेने के लिए वीर बजरंगबली हनुमान गए और जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें संजीवनी बूटी को पहचानने में कुछ संशय हुआ। तो इसके चलते उन्होंने निश्चय किया कि वो पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही उखाड़कर यहां से लंका ले जाएंगे। लेकिन रास्ते में जाते हुए उस संजीवनी पर्वत का कुछ टुकड़ा यहां पर गिर गया जिसे कि आज हम द्रोणागिरी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी जिसके चलते इस पर्वत का नाम द्रोणागिरी हो गया जिसे कि बाद में दूनागिरी कहा जाने लगा। दोस्तों, इस मंदिर की तरफ बढ़ने के लिए आपको कई सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है लेकिन सड़क के जिस हिस्से से ये सीढ़ियां शुरू होती हैं वहां पर आपको हनुमान जी का ये मंदिर मिलता है और इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपको कई पड़ाव मिलते हैं जहां पर आप कुछ देर आराम कर अपनी आगे की यात्रा जारी कर सकते हैं। इन पड़ावों पर आपको कुछ दुकानें भी देखने को मिलती हैं, जहां पर से कि आप प्रसाद आदि सामग्री ले सकते हैं और इस मंदिर के करीब पहुंचने पर आपको गोलू मंदिर, हनुमान मंदिर, भैरव मंदिर और इस समाधि स्थल के दर्शन होते हैं। इसके बाद आप पहुंचते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। ये मंदिर मुख्य रूप से माता शक्ति को समर्पित है इसलिए नवरात्रियों के दौरान यहाँ पर हमें काफी श्रद्धालु देखने को मिलते हैं और इसके अलावा भी कई तीज त्योहारों पर यहाँ पर श्रद्धालु आते ही रहते हैं। और इस मंदिर के परिसर में आपको ये पार्वती झूला भी देखने को मिलता है। इस मंदिर के पर्वतीय क्षेत्र में होने के चलते इस मंदिर के आसपास हमें कई खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं। तो अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट के करीब दूनागिरी मंदिर के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में हमें जरूर कमेंट कीजिए और इसके अलावा आप अपने सुझाव भी हमसे साझा कर सकते हैं क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है। तो राह मंदिर की सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले रविवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।